सर गुड मॉर्निंग भाई मतलब ब्रेक का इफेक्ट तो है यार पका है जबरदस्त माहौल एकदम शानदार ओके okay, तो सर जीएसटी सर्विसेज टैक्स मजा आ गया यार आप गुड मॉर्निंग जो बोला उससे तो यार एकदम भारी वाला माहौल एकदम आप तो ऐसे अब डबल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा मेरे को तो यार अभी ओके okay, तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एनर्जी मिल गया तो तो एकदम पागल कर दूंगा मैं आपको और मैं भी पागल हो जाऊंगा सर सर सुना ध्यान से सर बिफोर जीएसटी फर्स्ट जुलाई सेवन आने से पहले हमने बात कर ली साहब देर इश्यूज इन द स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट आईटीसी स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा था है ना भाई इसलिए गवर्नमेंट ने सपना देखा कि सर परचेज पे जीएसटी सेल पे जीएसटी जीएसटी सेल पे जीएसटी इधर से आलू जाएगा उधर से सोना बाहर आएगा अरे ना भाई सर <laughs> अब सपना तो देख लिया सर अब सर सपना कोई नया नहीं है समझना बात ध्यान से मस्त होकर सुनना ध्यान से पता भाई नाइनटीन जब आप बहुत छोटे थे और कुछ लोग तो शायद <laughs> अंडर प्रोसेस सर सर, थे भी नहीं सर ओके okay, किसी सपनों में थे बेटा सर अब अब ज्यादा बस सोचो बहुत ज्यादा डेप इधर नहीं कौनसे में डेप होनी चाहिए सर ओके ओके तो सर 1994 में पहली बार सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ सर यू नो ग्लोबली जीएसटी बहुत सालों पहले से चल रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या देखा क्यों ना इंडिया के अंदर भी जीएसटी इंट्रोड्यूस करें तो जीएसटी फुल फॉर्म था गुड एंड सर्विसेज टैक्स बट देर वॉज नो टैक्स ऑन सर्विस एट ऑल टिल नाइनटी तो सर गवर्नमेंट ने क्या देखा कि सर पीपल आर अर्निंग थ्रू सर, थ्रू गुड्स नो डाउट उस पर हम टैक्स ले रहे हैं पर सर्विस सेक्टर भी अब इंडिया का बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है एंड ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग uh, के अगर हम देखें टैक्सेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो सर्विसेज से भी लोग रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, सर्विसेज पे भी क्या लगना चाहिए भाई सर्विस टैक्स सो so, 1994 में पहली बार 1994 में पहली बार गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया कब बेटा नाइनटीन में एंड जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया एट द टाइम ओनली थ्री सर्विसेज टैक्स केवल तीन में जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया तो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूसड ऑन ओनली ओनली थ्री सर्विसेज पर ये गवर्नमेंट ने देखो किसी भी चीज पर टैक्स लगाना सर धीरे धीरे लगाएंगे इसका स्कोप बढ़ाते गए बढ़ाते गए हर बजट के अंदर कुछ कुछ सर्विसेज ऐड करते गए कभी दस सर्विस ऐड करी कभी पांच सर्विस ऐड करी कभी तीन सर्विस ऐड करी एंड बिलीव टिल टू थाउजेंड टिल टू थाउजेंड इलेवन देर वन वन नाइन टैक्सेबल सर्विसेज कितनी बचा एक जिन पे सर्विस टैक्स लगा दिया मतलब गवर्नमेंट को हर बजट में लगता कि ये भी तो एक सेक्टर है जिसमें लोग अर्न कर रहे हैं ये सेक्टर भी है जिसमें सर्विसेज के लिए फीस ले रहे लोग लगा हुआ सर्विस टैक्स एंड 119 सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर दी 17 इयर्स में लगभग लगभग सर <coughs> 40 टाइम से टैक्स बढ़ गया और हाँ है ना और 2012 में तो कमाल हो गया पांडे जी 2012 में गवर्नमेंट क्या लिख दिया दिमाग खराब मत करना मंगल ऑल सर्विसेज विल बी टैक्सेबल एक्सेप्ट फ्यू जिन पर टैक्स नहीं लगाना है नेगेटिव लिस्ट सर्विस टैक्स कर दिया नेगेटिव लिस्ट मतलब पहले क्या था इन इस लिस्ट पे टैक्स लगेगा फिर इस लिस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा बाकी सब पे लगेगा बात खत्म हा है ना सर और 2012 से तो सारी सर्विस क्या लगा दिया सर्विस टैक्स क्लियर याद था समझ में आया बेटा बात अब क्या हुआ सर लगभग 2007-8 के आसपास की बात है सर जब सर्विस टैक्स सेटल हो गया लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया कि साहब एक्सेप्टेंस आ गई इंडिया के अंदर कि सर्विसेस पर भी सर्विस टैक्स लगेगा गुड्स पर तो एक्साइज और वेट बहुत पहले से लग रहा था सर सर्विसेस आ गई एंड मोर ऑल नेट सारे द सर्विस टैक्स तो सर गवर्नमेंट ने सपना देखा क्या क्यों इन सबको मर्ज करके जीएसटी कर दे और सपना बहुत स्पीड से देखा कब 2009 में, में सर टू थाउजेंड नाइन सर गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट थी सर खेल कांग्रेस बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता सर पड़ता है पर क्या छोड़ो अभी सर पर पॉइंट आपसे ये है टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड नाइन सर इन्होंने सोचा क्यों ना जीएसटी ले आए कांग्रेस गवर्नमेंट थी सर अब इन्होंने प्लानिंग करी कुछ लोगों को बैठाया कमेटी बनाई और सर दिसंबर दो हजार दस देखो दो हजार टू थाउजेंड फोर्टीन में इलेक्शन आने वाले थे सर लोकसभा मोदी जी आए थे ना सर तो अब एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मुद्दा भी होता है जीएसटी लाना अपने आप में कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने किया है तो 2014 एजेंडा को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2010 दिसंबर 2010 इन्होंने लगभग लगभग तय कर दिया कि जीएसटी तो आएगा तैयारी कुछ ज्यादा थी नहीं सर तैयारी कुछ ज्यादा थी नहीं लगभग बग... अच्छा बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं सर है ना मेरा कोई मतलब नहीं है सर उसका पर पॉइंट इज दैट ये रियलिटी जो है बता रहा हूं मैं आपको दिसंबर दो लगभग लगभग तय कर लिया मैडम ने कि जीएसटी तो आएगा बच्चा जीएसटी का मतलब समझता रहा मैडम समझता ना बेटा मैडम मतलब और बच्चा ठीक है <coughs> मैंने कुछ नहीं बोला है सर बच्चा समझते हैं हम क्या करें सर तो मैडम ने डिसाइड कर लिया कि जीएसटी तो आएगा और बच्चा तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम रहा था सर जीएसटी अब सर <laughs> अब मालिक दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था इंस्टीट्यूट के पास लेटर आया आईसीआई हेडक्वार्टर दिल्ली में लेटर आया कि हमने जीएसटी लो ड्राफ्ट किया है आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए पार्लियामेंट में आके एंड देखिए और बताइए कि ये लॉ किस तरह से बना हुआ है कैसा कैसा इसका इफेक्ट रहेगा देश के अंदर एंड इन्होंने जो एक्ट बनाया था ये सिंगापुर वगैरह तीन चार कंट्री से कॉपी करके पेस्ट और आईसीआई को बोला आपने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजिए एंड सर इनफॉर्मली इंटीमेट कर दिया कि तुम रिप्रेजेंट कुछ भी कर लेना आएगा तो जीएसटी और इंस्टीट्यूट को पच्चीस मिनट का वक्त दिया पच्चीस मिनट का वक्त दिया पार्लियामेंट के अंदर देश का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा और केवल पच्चीस मिनट का वक्त दिया पार्लियामेंट में बोलने का रिप्रेजेंट करने का कि आना नहीं आना चाहिए उसके इफेक्ट क्या होंगे क्या नहीं होंगे सर केवल 25 मिनट विच ऑफ द आईसीआई ना जीएसटी आया ना कांग्रेस आई <laughs> सर <laughs> सर सुनना बात उद्यान से खैर कांग्रेस तो ठीक है मजाक मस्ती वाली बात है पॉइंट मेरा आपसे ये पॉइंट मतलब बीजेपी कांग्रेस नोटर्न दिसंबर दो हजार दस अब पार्लियामेंट में जब इंस्टीट्यूट ने रिप्रेजेंट किया सर उन्होंने बोला साहब हमें जीएसटी में कोई तकलीफ नहीं जीएसटी आना चाहिए वन नेशन वन टैक्स शुड बी देयर वन नेशन वन टैक्स शुड बी देयर इधर <coughs> नो डाउट पर सर कॉपी करके पेस्ट सर्विस टैक्स एक्साइज में दिक्कत नहीं थी क्यों सर्विस टैक्स एक्साइज में प्रॉब्लम नहीं था एक सर इंस्टीट्यूट ने रिप्रेजेंट किया और बोला क्या सर्विस टैक्स एक्साइज में दिक्कत नहीं थी सर सर्विस टैक्स एक्साइज में तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस है पहले भी क्रेडिट मिलता था अभी भी क्रेडिट मिलता है सर पूरे देश में एक ही टैक्स है केवल सर नाम अलग अलग हो रहा था क्रेडिट का सिस्टम एक ही था पर सर तकलीफ थी कहा वेट लो की यू वॉन्ट टू मर्ज दी टैक्सेशन सिस्टम ऑफ एंटायर इंडिया सारे स्टेट के टैक्सेस को हम मर्ज करके सिंगल प्लेटफॉर्म पर ला रहे हो लाना चाहिए बट विदाउट स्टडी ऑफ इंडिया

लोगों का कल्चर चेंज हो जाएगा और उस सिचुएशन को देखते हुए हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने वेट लॉस बनाए हुए सर कहीं सोशल इंपोर्टेंस की गुड्स कुछ अलग है किसी स्टेट में कुछ अलग है या स्टेट चेंज करो सर टैक्सेशन सिस्टम डेफिनेटली चेंज होने वाला है एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टेट ऑफ इंडिया मुंबई नरीमन पॉइंट एंड कोलकाता का जवेरी बाजार दोनों मेट्रो सिटीज दोनों मेट्रो सिटीज के दोनों पिक पॉइंट बिजनेस के लिए दोनों की प्रॉपर्टी रेट कंपेरेबल नहीं है हाउ कैन यू ब्रिंग द इंटायर इंडियाल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टीडी ऑफ इंडिया जिस स्टेट से आप कॉपी करके पेश कर रहे हो उनसे बड़े तो हमारे स्टेट से यार हाउ कैन यू ब्रिंग इट विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भली वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो एवरी बडी वज दस्टीट्यूट आईसीए एंड सर इंस्टीट्यूट ने अपना यह बात पांच मिनट पूरा कर दिया पच्चीस मिनट का वक्त दिया था पार्लियामेंट ने पांच हो गया कि कुछ ना हो पाएगा आपसे ये जीएसटी ना हो पाएगा एन ने आपने पच्चीस धन्यवाद हमने हमारा काम पांच मिनट कर दिया दिस द सी ऑफ इंडिया बीस मिनट बचाया हमने आपके एंड जीएसटी आया नहीं एंड सर 2020 सर बीस सर और दिसंबर 2010 सर डिसाइड हो गया क्या जीएसटी ना हो पाएगा एंड सर वही पे पार्लियामेंट भंग हो गई मतलब आ, आ, सेशन खत्म हो गया एंड सर वो खत्म हो गया क्लोज हो गया एंड जीएसटी ना आ पाया इन्होंने बाहर न्यूज में आके भले ही होगा हाँ अगले सेशन में आ रहा है अगले सेशन में जीएसटी आएगा अगले सेशन में आई जाएगा कुछ नहीं हुआ वो भी गए बेटा क्लियर सर लाने में चाहिए दम क्योंकि हर स्टेट को साथ में लेके आना था सर फिर सेंट्रल में आया टू में मोदी जी और उसके बाद इसको बहुत सीरियस तरीके से लिया गया एंड पूरी इंडिया को एक तरह से एक सिंगल प्लेटफॉर्म लाने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई उसको स्टडी कराया हर स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ा एंड हर स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि जीएसटी तो लाना पड़ेगा आपको क्योंकि अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था मेरे मालिक जीएसटी लो केवल पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा सर मेजोरिटी ऑफ दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एग्री कर ले तो उसे जीएसटी नहीं आता मोर देन थ्री फोर्थ मेजोरिटी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर और ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एज एज वेल लोकसभा क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था सर भारतीय संविधान में इसलिए हर स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में आना चाहिए तब जाके जीएसटी आ पाएगा वरना जीएसटी नहीं आ पाएगा एंड सर ये कमाल कर पाया ये कमाल कर दिखाया किसने सर ध्यान देन देना 2017 में कमाल हुआ पर सर जीएसटी की राह इतनी आसान नहीं थी अब सर वेट लॉस को मर्सो करना है सिंगल लॉ बना देंगे अब पॉइंट क्या था सर अगर वन नेशन वन टैक्स होगा पूरे देश में अगर एक कानून होगा अगर एक ही जीएसटी लगा देंगे तो वो रेवेन्यू किसका होगा क्या सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा अगर सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों एग्री करेगी उनकी रेवेन्यू खत्म हो जाएगी वो काम कैसे करेंगे यार आज पुलिस एक एग्जाम्पल देता हूं आपको पुलिस पुलिस के जितने भी ऑफिसर है उन सबको सैलरी कौन देता है स्टेट गवर्नमेंट कहां से लाएगा पैसा स्टेट गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल दिया ऐसे कई सारे काम होते हैं सर क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सर टैक्सेस तो डिवाइड किए ही किए साथ में उनके काम भी दे रखे हैं <coughs> क्या आपको ये रेवेन्यू एलोक्ट करिए आपको ये काम करना है सर अगर स्टेट गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यूज बंद कर दे वेट लॉस के और सारे रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा सर हाँ है ना इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट बेस इक्नो में ही सेंट्रल से गवर्नमेंट भी, भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस भी है स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के काम भी है स्टेट गवर्नमेंट के काम भी है सर उस अकॉर्डिंग रेवेन्यू एल कोडो हुई है सर इसलिए अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के टैक्सेस अगर मर्ज करने हैं तो रेवेन्यू भी दोनों को मिलना चाहिए सर मैंने क्या कहा हूं हूं चलेगा हाँ है ना सर रेवेन्यू भी दोनों को मिलना चाहिए इसलिए सर सीजीएसटी और इसलिए बोला क्या मिल बांट के खाएंगे आधा तेरा आधा, आधा? मेरा सर एटीन परसेंट अगर टैक्स है तो नाइन परसेंट सीजीएसटी जी नाइन परसेंट एस जी एस टी रेवेन्यू डिवाइड कर देंगे डिवाइड बाय टू बात खत्म हा मालिक ओके। अब सर बात आती है क्या क्या जीएसटी हर स्टेट वाइज अलग अलग होगा या एक ही होगा कानून कानून एक्ट जीएसटी एक्ट जो बनाए हैं ये हर स्टेट वाइज अलग होगा या एक ही होगा सर ठीक है रेवेन्यू डिवाइड कर दिया अग्रीड पर एक्ट कौन बनाएगा सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगा क्योंकि जो सी जीएसटी एक्ट होगा वही एस जीएसटी एक्ट होगा बेटा नहीं मजा नहीं आया सर जो सी जीएसटी एक्ट होगा वही क्या होगा क्यों अगर एस जीएसटी अगर हर स्टेट के अलग अलग हो गए तो, तो पहले वाला ही सिस्टम ठीक था सर एक्साइज वेट वाला बेटा हाँ है ना स्टेट चेंज करो लैंग्वेज चेंज तो टैक्स भी चेंज अपने वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट करना है तो सर हर स्टेट का टैक्स लो भी सिंपल होना चाहिए सर तभी गुड एंड सिंपल टैक्स बनेगा सर ये अरे हाँ है ना मालिक सर अब अगर एक्ट सेम करना है हर स्टेट गवर्नमेंट का वेट लो हटा के हर स्टेट गवर्नमेंट वही जीएसटी एक्ट होना चाहिए जो पूरे देश के अंदर है सर तो एक्ट कौन बनाएगा सवाल आता है सर आप बात करो सर ये सारी बातें बुक्स में नहीं मिलती सर बहुत इजीली मस्त हो गया सुनो सर <clears throat> सर क्वेश्चन क्या अभी क्या चल रहा है पॉइंट सर एक्ट कौन बनाएगा सर चलो रेवेन्यू डिवाइड कर दी सर एक्ट कौन बनाएगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्ट बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर खत्म हो गया बेटा आप सोचो आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉई ऑफिसर हो आपको हर महीने सैलरी दे दे बस आपका काम क्या बेटा थप्पड़ खाना बेटा थप्पड़ खाएंगे सैलरी मिलेगा बस मतलब कोई पावर नहीं दिया आपको क्या रेवेन्यू दे दे क्या मजा आएगा जीवन में कभी नो no. no. आप सोचिए स्टेट गवर्नमेंट के अगर सारे पावर खत्म हो जाएंगे तो उनसे पूछेगा कौन बेटा उनसे सर कौन इंडस्ट्री वाला मिलेगा जाके उनकी पावर खत्म कर देंगे तो सर तो सर स्टेट गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं एक्ट तो आप नहीं बनाओगे एक्ट तो हम बनाएंगे सोचिए आप बात को गलत है क्या यार ये बताओ मुझे आज आप उनके राइट्स खत्म कर रहे हो तो उनको राइट देना पड़ेंगे ना वैसे यार क्लियर अब स्टेट गवर्नमेंट को बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर राइट तुमको दे दिए सारे तो हम क्या करेंगे अगर एक्ट आप बनाओगे तो हमसे कौन पूछेगा <coughs> समझ रहे मेरी बात कुछ और अगर तुमको राइट दे दिए तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाएगा क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया बाकी सारे स्टेट को वो फॉलो करना है सर और सबने अगर अलग, अलग अलग बना दिया ताली बजाओ फिर बैठ के और क्या करना है आ गया अरे भाई तो सर यहां गया तो आप समझिए बात को दीज आर द रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा एक्ट हम बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा क्या एक्ट हम बनाएंगे बनाएगा कौन एक्ट इसलिए दोनों ने क्या बोला सर मिलके बनाएंगे क्या बोला सर मिलके बनाएंगे कोई एक भी चेंज करना हुआ सब मिलके चेंज करेंगे अगर वो नया एक्ट इसके अंदर जीएसटी नया एक्ट एक रहा था पूरा एक्ट हम मिलके बनाएंगे अब मिलके कैसे बनाएंगे सर क्या किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भारतीय संविधान की पावर के थ्रू एक बॉडी बनाई बनाएगी जिसका नाम क्या रखा जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल क्या है सर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स इसके मेंबर है सर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स इसके अंदर है और सर इसके चेयरमैन कौन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जैसे अभी तो वही जो भी फाइनेंस मिनिस्टर अपने हैं देश के वही इसके चेयरमैन रहेंगे सर अरे ना भाई वहां पर डिसाइड हुआ जीएसटी काउंसिल बनाई गई एंड जीएसटी गवर्नमेंट सब लेंगे सब बनाएंगे act में मिलकर चेंज करेंगे सर। हाँ ना, वना है ना सोचिए अगर एक्ट एक बार बन गया चलो एक बार मिलके एक्ट बना दिया फिर हर स्टेट गवर्नमेंट को अगर अलग अलग एक्ट बना दिया सर। अच्छा एक बात और बताता है क्या हुआ जीएसटी काउंसिल तो आई एक्ट बना दिया जो सी जी एस टी एक्ट होगा वही एस जी एस टी एक्ट और पता है हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना एस जी एस टी एक्ट अलग से पास किया हुआ है राजस्थान एस जी एस टी एक्ट अलग है महाराष्ट्र एस जी एस टी एक्ट अलग है तमिलनाडु एस जी एस टी एक्ट अलग है दिल्ली एस जी एस टी एक्ट अलग है सर मध्य प्रदेश एस जी एस टी एक्ट अलग है गुजरात एस जी एस टी एक्ट अलग है बाकी होमवर्क लेके आना है मेरा हरी क्लियर है सर हर स्टेट वाइज एसजीएसटी एक्ट अलग है सर और एक सी जी एस टी हा मालिक

आ रहा था पुराने लोगों से जब नए लोग में आ रहे थे तो पुराने क्रेड का क्या करने का पुराने जो कांड कर चुके उसका नया एक्ट में कैसे होगा वो ट्रांजिशनल प्रोविजन जो थे उसमें हर स्टेट एक के अलग थे और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग था वो भी आपके रिलेवेंट नहीं है सर प्रोविजन वो उस टाइम वन वन टाइम काम किए थे वो क्लियर बाकी पूरा एक्ट एज इट इज सेम है समझे आप मेरी बात बच्चों क्लियर समझे अरे ये सो

इसलिए आपने भी देखा होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजन हुए सुनते होंगे यार क्लियर इनकी मीटिंग होती है उसमें डिसीजन आते हैं उसके बाद ही अमेंडमेंट होते हैं वरना अमेंडमेंट ना, ना हो पाएगा आई थिंक बातें समझ में आ रही है सर आपको आवाज नहीं आ रही yes, अरे पक्का ठीक है सर चलिए सर एक बात समझता है सर ठीक है इंडिया के अंदर जीएसटी आ गया कब से आया भाई फर्स्ट फ्लाइट टू थाउजेंड तब कुछ बातें चल रही थी सर ये वाली जो बातें हम कर रहे भी, अभी अभी जीएसटी आया नहीं आने वाला है तो सर अभी हमने बात करी कि जो भी जीएसटी का रेवेन्यू होगा डिवाइड बाई टू सी जीएसटी और एस जीएसटी आधा तेरा आधा मेरा यहां तक तो समझ में आया कि चल रहा है कार्यक्रम पकड़ चल रहा है बस जीवन ऐसा काट रहे हो वक्त सर समझ में आ रहा है ना भाई ठीक yes. गुड अब सर क्वेश्चन क्या आता है भाई मैं कहा अभी? अच्छा मेरी फैक्ट्री मैं क्या बनाता हूं भाई जल्दी बताओ मार्कर्स ब्रांड नेम मंगल मेरी फैक्ट्री क्या है मुंबई महाराष्ट्र ये रहा अंधेरी जेके शाह क्लासेज नागदास रोड क्लियर अब यहां अगले जब तक पूरा बेच खत्म नहीं होता तो, तब तक फैक्ट्री चलेगी मार्कर बनेंगे सर यहाँ पे रोज ठीक है सर मेरी फैक्ट्री क्या है मुंबई महाराष्ट्र इतना पूरा एड्रेस की जरूरत नहीं सर सर ओके <laughs> okay, चलो मेरी फैक्ट्री का है नहीं इतनी महाराष्ट्र बेटा स्टेट वाइज ना सिटी वाइज नहीं है टैक्स सर चलो मेरा मेरी फैक्ट्री का है इंडिया नहीं बोलेगा ओ सर <laughs> क्योंकि जीएसटी भी स्टेट वाइज एज होता है सर ओके okay, सर मेरी फैक्ट्री का है महाराष्ट्र मैंने मार्कर बनाया मार्कर बना के मैंने आपको बेच दिया आप कहो आप कहो मैं मैं कहू सर मेरे को याद नहीं रहा सर मुंबई महाराष्ट्र सर सर मैंने आपको मारकर बेच दिया मैं भी महाराष्ट्र आप भी महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र सर मुझे मुझे बताओ विद इन द स्टेट बेचा मैंने बेटा विद इन द स्टेट बेचा है क्या लगेगा दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट सप्लाई क्या लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डाउट ओके मान लो मेरी फैक्ट्री राजस्थान आप भी राजस्थान मैंने कोई गुड्स आपको राजस्थान में बेचा अरे तैयार नहीं थे यार इसलिए तो सर मैंने राजस्थान से गुड्स राजस्थान में बेचा है बताओ क्या गंटरेस्टेड क्या लगेगा सीजीएसटी एंड मैं भी राजस्थान ये भी राजस्थान बेटा सीजीएसटी एंड एस जी एस टी महाराष्ट्र एस जी एस टी बेटा क्लियर मान लो वन लेक वैक्स तो फिफ्टी थाउजेंड सी जीएसटी लगेगा फिफ्टी थाउजेंड राजस्थान एसजीएस लगेगा इस केस में फिफ्टी थाउजेंड सी जी जी एस टी लगेगा महाराष्ट्र एस जीएसटी लगेगा बच्चा है हाँ ना भाई तो पचास हजार सेंट्र गवर्मेंट के पास जाएंगे पचास हजार रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे सर कर डाउट ओके पर सर मेरी फैक्ट्री क्या है अभी महाराष्ट्र मैंने गुड्स महाराष्ट्र से राजस्थान में बेची बेटा अब ये तो आपको याद है आपने बोल दिया मेरे को यही आंसर नहीं चाहिए को बताओ रेवेन्यू कौन अभी, अभी अभी, अभी अभी बन है। बनाया है नहीं सर समझने की कोशिश करना अभी एक्ट बन रहा है बनाया है नहीं है सर अभी जब जीएसटी आ रहा था तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर बात क्या करी आधा दे रहा आधा और जब इंटरेस्ट सप्लाई किया तो पूरा मेरा वाह है ना समझा आप मेरी बात इन चीजों को समझिए आप क्लियर सर विद इन द स्टेट सेल हुआ तो फिफ्टी फिफ्टी कर लेंगे और इंटर स्टेट हुआ तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हमारा जीएसटी चाहिए नहीं हमारा सर्विस ठीक है सर सर स्टेट गवर्नमेंट मना कर दिया सर आप ये समझिए सर आप ये बताइए मतलब क्या है मैं भी आ रहा हूं क्यों है और कैसे है क्या है सबको पता है क्यों है और कैसे समझ में आ गया ना मजा आ जाएगा जीवन में सर आप मुझे बताओ अगर ये पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ले गया तो तो यार पहले पता है क्या होता था बिफोर जीएसटी बिफोर जीएसटी इंटर स्टेट सेल करने पे सीएसटी लगता था सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स फिर उस टाइम तो आप बच्चे थे बेटा है ना तो अभी क्या बड़े हो गए क्या सर

उसका भी मैकेनिज्म बनाया और इंटरसेट सप्लाई करने पे आपने सही बोला इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज सर्विस जीएसटी सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी की जो रेट होगी मतलब नाइन परसेंट सी जीएसटी नाइन परसेंट एस जीएसटी तो एटीन परसेंट क्या होगा बच्चों आई जीएसटी अब आईजीएसटी एक बार कलेक्ट कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट इज नॉट द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी मिल बांट के खाएंगे शेयर किया जाएगा सर अब वो शेयरिंग कैसे होगी वो समझना ध्यान से और हाँ है ना सर कहां जाता है क्या जीएसटी जा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जीएसटी जो कंजम्शन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स जहां गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होगी उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा सर वो कैसे होगा समझना आई जीएसटी का सिस्टम कैसे होगा सी जीएसटी और एसजीएसटी का रेवेन्यू कैसे मिलेगा मजा आ जाएगा जीवन में आपको सर सुनना ध्यान से समझना बात को ध्यान से सर देखना ध्यान से अच्छा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पका ना हंड्रेड परसेंट ना अच्छा ये टेंशन तो नहीं ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है बुक्स में तो कुछ ही नहीं ऐसा सर पका ना देखो क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना कब पढ़ाना क्या बोलना है कब क्या आपको लिंक कराना है वो मेरा काम है सर ठीक है आप मस्त हो गए सुनिए सर ठीक है डन सर सुनना बात ध्यान से एक एग्जाम्पल लेता हूँ सवाल में आपके लिए इन पूरी चेन बनाते हैं सर क्या होता क्या है जीएसटी अभी मैंने जीएसटी शुरू नहीं किया है सर अभी तो जीएसटी आ रहा है प्लानिंग चल रही है सर जीएसटी आने की सर ओके मालिक मैं कहू महाराष्ट्र आप महाराष्ट्र याद गया ना आपको यस गुड गुड थोड़ी देर तो याद नहीं आया सर मैं भूल गया सर एकदम लेक्चर में इतना खो गया सर अभी मैं मैं कहा क्लास में ऊपर क्लास का है याद नहीं सर सर, सर सुनना <coughs> मैंने क्या बनाया सर अबे मैंने क्या बनाया सर ब्रेड नेम मंगल ओके मैंने मार्केट बेचा वैल्यू ऑफ गुड्स सपोज टेन लैक्स ओके उसपे जीएसटी कितना बैठा टेन परसेंट माना टेन एटीन में कैलकुलेट कौन करेगा नाइन परसेंट बैठा ठीक है सर टेन परसेंट सी जी एस टी टेन परसेंट एस जी एस टी है अरे क्लियर ट्वेंटी परसेंट हो गया बच्चा ठीक है मैंने गुड्स क्या नाम सर मीत आगे वाईएम ने गुड्स एमजे को बेचा YM का है एमजे महाराष्ट्र ठीक है सर इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या ये इंट्रा इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट क्लियर सर क्या लगेगा सपोज टेन परसेंट वैसे ट्वेंटी परसेंट रेट किसी पे भी नहीं ठीक है ना सर ये तो आलस की वजह से अपन टेन परसेंट लिख रहे हैं सर कि कैलकुलेट कौन करेगा अच्छा जितना सी जी एस टी होगा उतना एस टी बेटा कन्फर्म है क्या yeah. कोई डाउट है क्या oh. होना भी नहीं चाहिए सर ओके okay, महाराष्ट्र के मिस्टर वायम ने महाराष्ट्र के मिस्टर एमजे को गुड्स बेच दिया कितने में सर रुपीज ट्वेल्व लैख ,00 में टेन लैक वॉज दैल्यू ऑफ द गुड्स वन लेख प्लस वन लेख सीजीएसटी एंड एस चार्ज कर दिया अच्छा इंडारेक्ट टैक्स है मैंने इनसे टैक्स लिया बेटा हम्म

इस गुड्स को आगे बेच दिया किसको बेचा सर नहीं 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 इनोंने? नहीं 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 इन्होंने महाराष्ट्र के एचएम को बेच दिया एमएच का एमएच एचएम कर दिया इतना सोच क्या रहे हो बेटा चेंज कर लेते लो तुम, तुम बोलो क्या करने का इमरान हाशमी ठीक है सर ओके अभी ठीक है? सर माहौल देखो माह माहौल जबरदस्त शानदार ठीक है सर सर महाराष्ट्र के मिस्टर आई को इन्होंने गुड्स बेच दिया सर कितने में फिफ्टीन लैक्स में सर ओके बहुत अच्छा बेटा <laughs> सर <laughs> अच्छा महाराष्ट्र से महाराष्ट्र बेचा है अगेन सी जी एस लगेगा पर्चेस सी और एस पे क्या क्या आई सी मिलेगा बेटा आई yes. मिल जाएगा बच्चे अरे ना भाई यस yes. yes. तो सर इन प्रैक्टिकली क्या क्या होगा सी जी एस टी आई टी सी और एस जी एस टी आई टी सी अवेल्ड क्या होगा बेटा yes. अरे हाँ है ना बेटा yes. अवेल्ड कितना बेटा yes. वन लेख वन लेख yes. अल्टीमेटली टेन लैख इनकी कोस्ट रही होगी बेटा और एक तरह से पांच लाख का इन्होंने मार्जिन कमाया बेटा yes. पंद्रह लाख में बेचाना बेटा आगे हाँ है ना सर ओके तो सर इन्होंने गुड्स आगे सेल किया वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बेटा yes. ओके क्या लगाया अगेन कितना कितना हो गया मालिक इन्होंने महाराष्ट्र के इमरान हाशमी को गुड्स भेजे कितने बच्चा एटीन लेक्स में उससे वन फिफ्टी सीजीएसटी लिया वन फिफ्टी एस लिया वन फिफ्टी सी किसको पे करेंगे बेटा ये जल्दी बोलो सर सेंट्रल गवर्नमेंट को जब वन फिफ्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने गए क्या क्या होगा इन्होंने सर सी जी एस टी का आई यूज किया होगा बेटा और रिमेनिंग फिफ्टी थाउजेंड गवर्नमेंट को बेटा सेम वे इस 150 क्या होगा होगा, सर वन ले का एस जी एस टी आई टीसी यूज क्या होगा बच्चे और रिमेनिंग फिफ्टी थाउजेंड पे किया होगा सर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने पे कर दिया होगा कितना बच्चा फिफ्टी थाउजेंड बेटा हा है ना सर क्लियर तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल गया सर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिल, गया सर? को कितना मिल गया सर? अच्छा, अब सर मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट में ये का अकाउंट है सर, इतर, कितना फंड चला गया सर 150 कैसे गया वन लेख मैंने पे किया था 50 आपने पे कर दिया बच्चे ठीक है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट शिंदे जी इनके पास कितना पैसा आ गया सर 150 कैसे आया सर वन लेख like मैंने पे किया था, था नो ओके गुड्स क्या है बेटा गुड्स क्या है महाराष्ट्र इमरान हाशमी के पास बेचा हाँ है ना भाई सर उन्होंने खेल लंबा खेला बेटा और इन गुड्स को गुजरात की जी को बेच दिया इमरान हाशमी बेटा सर गुजरात की जी को इन्होंने गुड्स बेच दिया डांडिया खेले बेटा और गुड्स बेच दिया बेटा सर डांडिया खेले भाई आप आगे बचाओ इसे सर जी कौन है बेटा सर, आप सर कोई मतलब नहीं पूछने का बेटा सर सुनना अब जब गुड्स बेचा कितने बेचा बेटा मान लो ट्वेंटी लैख में बेच दिया सर कितने बेचा मालिक ट्वेंटी लैख वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बचा जल्दी बोलो रे ट्वेंटी लैख अब जीएसटी कौन सा लगेगा सर महाराष्ट्र से गुड्स कहा गया भाई गुजरात महाराष्ट्र से गुड्स कहा गया गुजरात इट इज कॉल्ड स्टेट सप्लाई एंड इफ इट इज स्टेट सप्लाई क्या लगेगा सर आई जी एस टी न सी जी एस टी ना एस जी एस टी ठीक है अब सर ये आई जी एस टी कलेक्ट कौन करेगा मैंने ये नहीं बोला इट द रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने क्या बोला कलेक्ट कौन करेगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा साहब कि स्टेट सप्लाई करने पर कोई स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे दिया वापस वो नहीं देगा तो क्या करेंगे सर ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोला एक बार हम कलेक्ट करें फिर इसके लिए एक्ट बनाया सर सर आगे क्या करना बात करते हैं तो आई सपोज रेट कितना बेटा ट्वेंटी आएगा ना सर। टेन प्लस टेन ट्वेंटी हो गया बच्चा ठीक है कितना हो गया सर टोटल ट्वेंटी फोर लैख अब महाराष्ट्र के इमरान ने गुड्स बेचा गुजरात की जी को सर ट्वेंटी फोर लैख रुपी, रुपी उससे ले लिए इसमें से फोर लैख रुपये क्या है बच्चा आई जी एस टी फोर लेख क्या है सर अब जी एस टी अकाउंट अलग था स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट अलग था सर आई जी एस टी अकाउंट अपने, अपने, अपने एक अलग अकाउंट होता है ठीक है 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 भी अलग ध्यान रखना, हाँ, actually, सर, अब अब में में चला गया, separate fund में चला गया, गया, मेरा ये कि इमरान हाशमी जब फोर लैक रूप पे करेंगे किसको पे करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेंगे क्या पे करेंगे आई जी एस टी अब इन्होंने परचेज पे ऑलरेडी सीओर पे क्या हुआ सर तो करो 150, 150, कितना पे सी कितना पे किया पे पे किया पे है है? सर? 150, 150, कितना पे पे सेल कियाचेस किसकी है आई की आप मुझे बताओ क्या आई की लाइवी को पे करने के लिए सी और एस का क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए दिल क्या कहता है मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए हो पाता बच्चा है हाँ ना इसलिए आईजीएसटी की लाइब्रेरी को पे करने के लिए सीजीएसटी एजोलिस जीएसटी दोनों का आईटीसी मिलता है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है सर इसने क्या किया क्या 1.5 ले का सीजीएसटी आईटीसी यूज किया 1.5 ले का एजीएसटी आईटीसी यूज किया एंड बैलेंस रुपीस 1 ले क्या कर दिया भाई पे कर दिया किसको पे किया आईजीएसटी अकाउंट को पे किया सर हाँ है ना सर ओके okay, एक मिनट गुड्स का है अभी गुड्स का है अभी गुजरात यार फंड्स का मूवमेंट कैसे होगा चार लाख रुपए कहा जाना थे बेटा फोर लैख रुपीज टू बी पेड टू दी आई जी अकाउंट हा है ना सर अब 1.5 पॉइंट फाइव लेख इसने पे किए सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट यूज किया आई के लिए बेटा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि मैं 1.5 पॉइंट फाइव मेरे सीजीएसटी अकाउंट से निकाल के काटा लूंगी अकाउंट में एस जी का क्रेडिट जो 1.5 पॉइंट फाइव ले का यूज किया फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अग्री किया कि हमें पैसा क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे जी एस अकाउंट में सेक्शन बने सर इसके लिए पूरे प्रॉपर सेक्शन बने सर इसके लिए एक्ट के अंदर सर और 1.5 पॉइंट फाइव क्या होगा सीजीएसटी अकाउंट से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट का हटा देगी बेटा एस टी अकाउंट बनाएगी शिंदे जी क्या करेंगे सर स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी सर अपने अकाउंट से वन पॉइंट फाइव के, के आई जी एस टी डालेगी अब आप मुझे बताओ गुड्स का पहुंच गया गुड्स कहा पहुंच गया गुजरात सर टैक्स कहा पहुंच गया टैक्स कौन से अकाउंट में टैक्स आई, आई जी।, जी सी में कितना है सी में कितना है सी में जीरो एस में कितना है पक्का सर आई में कितना है चार लाख सी के पास जीरो एस के पास जीरो सर टैक्स का है बेटा आईजीसी कितना है बेटा फोर लेख गुड्स का पहुंच गया गुजरात गुणा। <coughs> की जी भी कम नहीं है बेटा गुजरात की जी ने राजस्थान के आर को ये गुड्स बेच दिया गुजरात की जी ने राजस्थान के आर को एक गुड्स बेच दिया सपोज कितने बेचा में बेचा बेटा ट्वेंटी में पचीस ट्वेंटी फाइव में बेच दिया बच्चों ठीक है मालिक वेल्यू ऑफ गुड्स ट्वेंटी फाइव लैक्स क्या लगेगा सर कितना ट्वेंटी परसेंट होता है सर सपोज फाइव लैख अच्छा ट्वेंटी परसेंट रेट ऑफ टैक्स किसी में भी नहीं जीएसटी में मैं तो केवल एग्जाम्पल के लिया है ट्वेंटी परसेंट है बेटा थर्टी लैक्स अरे क्लियर इनडायरेक्ट टैक्स है हुं हुं करो कम से कम सर राजस्थान की जी ने सॉरी गुजरात की जी ने राजस्थान के आर से डंडे खेल के पैसा ले लिया कितना थर्टी लाख रुपए अब थर्टी लाख में से क्या है सर IGSP. अरे क्या है सर IGSP. अब जी जब फाइव तो ऐसे केस में इसने परचेस पे करने सर आई लाख का आईजीएसटी पे किया था सर हाँ ना तो आईजीएसटी का लायबिलिटी को पे करने के लिए आईजीएसटी जी ने का यूज कर लिया बच्चा सर कितना काम आया बेटा फोर लाख का आईजीएसटी आईटीसी यूज्ड और बैलेंस हा है ना सर बताओ फंड का पड़े फंड्स का है जल्दी बताओ सर आई जी अकाउंट में गुड्स का पहुंच गया राजस्थान क्लियर अब सर राजस्थान के आर ने क्या किया बेटा इन गुड्स को राजस्थान के जे को बेच दिया राजस्थान के आर ने इन गुड्स को राजस्थान के जे को बेच दिया सपोज द तो वैल्यू ऑफ गुड्स वाज जल्दी बोलो टी लैक्स क्लियर क्या लगेगा सर दिल थाम के देखो सर गुजरात की जी से बाहर निकलो बेटा क्लियर राजस्थान के राजस्थान के जे को गुड्स बेचा है सर क्या है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या बेचा ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या लगेगा सर सी जीएसटी एंड एस जी एस टी कौन सा एसजीएसटी बचा राजस्थान एस जी एस टी क्लियर कितना लगेगा सर टेन परसेंट एंड <coughs> कितना होता है जल्दी बताओ थ्री लैख एंड थ्री लैख टोटल थर्टी सिक्स लैख वेरी गुड सर क्या होगा बच्चों इंडायरेक्ट टैक्स क्या ये अरे इतनी देर से क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे सर अरे इंडायरेक्ट टैक्स नहीं है यस सर थर्टी सिक्स लाख रुपये क्या किए राजस्थान के आर ने राजस्थान के जैसे ले लिए अब क्या होगा सर राजस्थान के आर को थ्री लाख रुपये किसको पे करना है बच्चे

एस जीएसटी की लाइब्रेटी को पे करने के लिए आई जीएसटी का आईटीसी काम आना चाहिए ना आना चाहिए सर आना चाहिए कि ना आना चाहिए सर तभी वन नेशन वन टैक्स हो पाएगा नहीं तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा सर ये क्लियर सर यस तो इसने क्या किया थ्री लेख का पूरा आईटीसी आईजीएसटी का यूज कर लिया बच्चा हाँ है ना भाई पेमेंट कितना किया जब बचा ही नहीं तो पेमेंट क्यों करेगा बच्चा हाँ है ना भाई अब जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आई तब क्या करेगा सर ये टू लेख का आई बैलेंस बचा बच्चा इसके पास टू, टू लाख रुपए का आई जी एस टी आईटीसी यूज कर लिया और बैलेंस वन लेखिया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट क्लियर डन सर आप मुझे बताओ पहली बात तो ये कि सर सी जीएसटी को पे करने के लिए <coughs> थ्री लेख की लाइवी को पे करने के लिए इसने थ्री लेख का आई जी एस टी का आईटीसी यूज किया सर तो तीन लाख रुपए किसको मिलना था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के सी जी एस टी कौन जाना था बच्चा लेर उस जीएसटी को पे करने के लिए इसने क्या किया बेटा पे नहीं किया और इसने आई जीएसटी वाले को बोला तू इसको पे कर देना बच्चे कि मैंने ऑलरेडी आई जीएसटी पे किया तुम इनको पे कर देना हाँ है ना सर तो सर क्या होगा जल्दी बताओ यस सही सोच रहे हो आप जल्दी बोलो आई जीएसटी फंड से क्या करेंगे सर <coughs> आई जीएसटी फंड से 3 लाख रुपए निकालेंगे और काटा देंगे सर जी एस टी का अकाउंट बना लेंगे सर अरे हायना मालिक ओके अब सर क्या होगा एस जी एस टी कौन सा राजस्थान, राजस्थान, को कितना पे करना था? थ्री लैख हमने क्या किया सर टू लाख रूपये आई जी एस टी का यूज तो सर क्या करेंगे? बताओ मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट आई जी एस टी अकाउंट से पैसा निकलेगी टू लाख रुपए पे करेगी सर स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगी और एक लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया वैसे बेटा वैसे भी क्लियर अब आप मुझे बताओ आईजीएसटी जी एस अकाउंट फंड कितना बच गया आवाज नहीं रही हो सी में जीएसटी में थ्री लैख राजस्थान है एस में पक्का क्लियर ये जो राजस्थान के जे है ना बेटा ही वॉज दी एंड कंज्यूमर ही वॉज द एंड कंज्यूमर सर इन्होंने गुड्स या सर्विसेज जो भी थी वो कंज्यूम कर ली बात खत्म स्टोरी खत्म होती है अब व्हाट इज द कंक्लूजन कि सर आप मुझे बताओ अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिली सर अल्टीमेटली आप मुझे बताओ सिक्स लेके टैक्स देखो एंड कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा तब टैक्स कितना लगा बेटा आवाज नहीं आ रही यारी बोला क्या आधा आधा बांट लेंगे बेटा देखो शुरुआत में बात क्या करी थी बेटा आधा आधा बांट लेंगे आधा किसका सेंटर का आधा कौन सा स्टेट का पर स्टेट का कौन सा स्टेट का सर आधा सेंटर का कोई दिक्कत नहीं सर बट रिमेनिंग फिफ्टी विल बी गिवन टू दी विच स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट क्लियर आप मुझे बताओ ये गुड्स बना कहा था ये गुड्स बना कहा था गुड्स बन के गया कहा था गुजरात गुजरात से कहा आया सर महाराष्ट्र को क्या मिला लड्डू सर गुजरात को क्या मिला डांडिया सर <laughs> कुछ नहीं सर और सर न रेवेन्यू मिला महाराष्ट्र को न मिला गुजरात को रेवेन्यू मिला किसको राजस्थान का अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ अल्टीमेटली गुड्स की डेस्टिनी क्या थी ढंग से बोलो वापस बोल रहा हूं बेटा अल्टीमेटली गुड्स की डेस्टिनी क्या थी अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ अल्टीमेटली रेवेन्यू मिला गया इसको इसलिए इसको बोलते क्या डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स क्लियर सर गुड्स बना का बन के कहा गया अल्टीमेटली कंज्यूम का हुआ

और वो क्यों समझ में आया ना ये कभी जीवन में याद नहीं करना पड़ेगा मेरी गारंटी सर आपको क्लियर पक्का डन तो सर जीएसटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर पता है क्या हुआ जिंदगी बदल गई हालात बदल गए वक्त बदल गए जज्बात बदल गए सर जिस दिन जीएसटी आया उस दिन से डेस्टिनेशन बेस्ट कंज्यूमशन टैक्स हुआ बट बिफोर जीएसटी पता है क्या था जहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उस स्टेट को रेवेन्यू मिलता था बेटा कैसे बताता हूं जहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वहां रेवेन्यू उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था कैसे क्योंकि सर पहले बिफोर जीएसटी जब इंटर स्टेट सेल होता था क्या होता था बेटा Interstate. उस पर क्या लगता था सीएसटी क्या लगता था बेटा सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स और अगर मैं राजस्थान में हूं आप मान लो महाराष्ट्र में हो सर मैंने महाराष्ट्र से गुड्स राजस्थान में परचेस करिए था क्या सी एस टी सी एस टी मिलता था उस स्टेट गवर्नमेंट को जिसने बेचा है किसने बेचा बेटा महाराष्ट्र ने बेटा खरीदने वाला कौन अब भले ही बिजनेस मैन बेटा अपने बिजनेस लेकर फिर भी सीएसटी का एक रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलता था सीएसटी का आवाज नहीं आ रही है सी एस टी का मतलब वो रेवेन्यू जो उस स्टेट गवर्नमेंट की थी वो वही रहती थी वहां से निकल के बाहर नहीं आती थी बेटा अभी क्या हो गया आई जीएसटी का का तो जी काउंट में तो उनके अकाउंट से पैसा गया पहले नहीं जाता था इसलिए सर पहले प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट जो थे वहां रेवेन्यू ज्यादा होती थी बेटा स्टेट गवर्नमेंट की बेटा आई रिपीट क्या बोला मैंने वापस सुनना ध्यान से इसका मतलब जहां गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है बेटा जहां फैक्ट्रीज ज्यादा है, जहां है उन का हायर इन बेटा। में क्या होगा बेटा जो कंजुम्शन बेस्ड स्टेट होंगे उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा यहां मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था बेटा कुछ अच्छा ये समझ में आएगा नहीं तो मैं आगे बढ़ू बेटा कुछ आ रहा है कि जा रहा है, रहा है। कोई डाउट अच्छा दो ही केस में डाउट नहीं आते हैं। <laughs> <सर>। <laughs> या तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो क्या रहा है पक्का ना ठीक है सर तो सर बिफोर जीएसटी बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स को रेवेन्यू ज्यादा था एंड सर कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स को रेवेन्यू कम था बेटा मतलब जहां पे कंज्यूमर ज्यादा हुआ करते थे उनको अल्टीमेटली गुड्स बन के बाहर से आ रहा है रेवेन्यू तो उसी स्टेट में रह गया बेटा तो कंज्यूमर बेस्ड स्टेट को रेवेन्यू कम था पर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट को रेवेन्यू ज्यादा था पर जीएसटी आया तो हालात बदल गए जज्बात बदल गए वक्त बदल गया और पता नहीं क्या क्या बदल गया एंड सर जीएसटी में क्या हो जाएगा बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पे गुड्स ज्यादा कंज्यूम होंगे उस स्टेट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा जिसने गुड्स बनाया उसको तो तो वो सारे स्टेट गवर्नमेंट मना कर दिया हमको जीएसटी नहीं चाहिए तकलीफ देखो साहब जीएसटी लाने में कोई इतना आसानी से नहीं आया वो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोला ना हो पाएगा हम हमारे एक्साइज वेट सर्विस टैक्स में ही खुश है जाओ मोदी जी सब सबको खुश कर बोले चिंता मत करो अगर आपको नुकसान होगा तो मैं बैठा हूं ना बोले आप बैठे हो इस कम तोड़ेगी हम मान जाएंगे आपकी बात कब उठ जाओ पता ही नहीं पड़ेगा अरे <laughs> <रहा> है ना, <coughs> तो विश्वास पे दुनिया चलती है पर विश्वास पे टैक्स नहीं चलते है सर, है हाँ ना मालिक सर अब पॉइंट आया कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट नाराज हो गए साहब हमको जीएसटी नहीं चाहिए वो मोबाइल बंद कर दीजिए सर अरे मेरे को सब दिखता है यहां से कौन किसको देख रहा है किसका हाथ किसके हाथ में है सब पता रहता है मेरे को <laughs> बोलता नहीं हूँ, ध्यान सब रखता में। सर, सुना, सुना। ना मजा, आएगा सर आपको। अच्छा, मजा तो आ yes. रहा नहीं पढ़ने का बर्डन पढ़ाई कर रहे, हो रहे नहीं खुश होकर पढ़ो ना सर क्या तकलीफ है और मस्त होके पढ़ो हाँ yes. ए सी का टेम्परेचर बढ़ाना है मुझे डाउट आ गया दिखता कोई सर ए सी का रिमोट है क्या पीछे बेटा पीछे होगा पीछे होगा आगे देना रिमोट होगा, बात कर रहे हो ना क्या था ना पहले ओके नहीं नहीं चलो आ रहा है रिमोट आ रहा है ना इंटर सेट सप्लाई होगा वो बाहर वाले स्टेट में तो वहां से ट्रांसफर हो गया यू नो ओके 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 सुना ध्यान से बात को तो सर जब जीएसटी की बात चल रही थी सर बिफोर जीएसटी बात चल रही थी सर कि नहीं जीएसटी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे जब उनको कॉन्सेप्ट तो बर्बाद होने वाली है तो उन्होंने नहीं हम हमारी रेवेन्यू क्यों लूज करें सर वन नेशन वन टैक्स सिंप्लीफाइड टैक्स हो जाए ना हो हमें क्या हमारे रेवेन्यू हम क्यों लूज करेंगे सर समझा मेरी बात सर तो गवर्नमेंट चिंता मत करो अगर तुमको लॉस होगा तो हम तुमको कंपनसेट करेंगे क्या करेंगे ये एसी का रिमोट आगे पास कर देना बेटा और जहां भी बीच में भी लगे तो आप चेंज कर सकते हो टेम्परेचर और कल से कोशिश करो स्टॉल वस्टॉल लेके आओ तो बैलेंस रहेगा हाँ क्योंकि कुछ क्या अच्छी नींद आएगी आप कोशिश कर लो सर कोशिश कर लेना आप मैं तो कह रहा हूं आप किसी की तरफ देख दो तो भी पता रहता है मेरे को आप सो के देखो तो सर नींद नहीं उड़ाती गारंटी मेरी आपकी घर जाके भी सोने नहीं सर हमारे पास करंट वाली मशीन भी है बेटा जैसे जैसे कोई <laughs> जैसे कोई ऐसा होता है ऐसा करंट लगता है ओके ओके सर करंट अपनी बातों में होना चाहिए सर सुनना ओके ओके ध्यान सरकार बेस्ड स्टेट ने मना कर दिया कि हमको तो जीएसटी नहीं चाहिए साहब गवर्नमेंट ने बोला क्या आप चिंता मत करो हम आपको कंपनसेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा कहां से कंपनसेट करोगे आपकी रेवेन्यू जो आ रही है तो आपकी रहेगी बोला हम हमारी रेवेन्यू से कोई कंपनसेट नहीं करेंगे सर। बोला कैसे करोगे फिर बोला है ना देश में तमाऊ खाने वाले सिगरेट पीने वाले है ना बेटा सर पीते ही होंगे ना आप तो <laughs> सर <laughs> उधर क्या देख रहा है तू <laughs> सर साथ में पीते हो ना बेटा सर <laughs> तो गवर्नमेंट ने क्या किया ये बेस्ड गुड्स पान मसाला गुटका सिगरेट्स ये महंगी महंगी कार इन सब पे एक, एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जीएसटी कंपनसेशन एक अलग एक्ट बना दिया एक्ट का नाम क्या है जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 ये अलग एक्ट बनाया और उसमें आप नाम सुनोगा जीएसटी कंपनसेशन सेस देखा भी होगा ना भी, भी हो तब बैठा हाँ है भी होगी तो ये एक एडिशनल मतलब टैक्स है मतलब तो नॉर्मल जीएसटी लग रहा है साथ में जीएसटी कंपनसेशन से कुछ गुड्स पर लगा दिया और उन गुड्स पर जीएसटी के साथ में जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा दिया और जीएसटी का जो रेवेन्यू होगा उसके अलग ही फंड मिला ना वो सी का, 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 का है वो एस का है वो आई का है वो जीएसटी सेस जीएसटी कंपनसेशन स एक अलग से फंड बना दिया जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उस रेवेन्यू को उन स्टेट गवर्नमेंट को डोनेट किया जाएगा क्या बोला लॉस हुआ है एज कंपेयर टू वेट रेवेन्यू एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू बेटा हाँ है ना भाई जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के बाद जिनको लॉस होगा उसको क्या करेंगे कंपनसेट करेंगे सर सर देखना ध्यान से सर <coughs> उसके लिए क्या किया इन्होंने बताया एक्ट बनाया अब स्टेट गवर्नमेंट बोला कि आप कैसे कंपेयर करोगे सर आप कैसे कंपेयर करोगे जीएसटी नहीं होता अगर वेट होता तो हमारी रेवेन्यू कितनी होती कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना यार बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन देखो सेवेंटीन से जीएसटी आया बेटा तो फाइनेंशियल टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटी अब जो बात करूं क्या नॉलेज के के लिए कर रहा हूं कोई काम की नहीं एग्जाम लिए बेटा पर

फिर गवर्नमेंट बोला नहीं, नहीं। इंक्रीमेंटल भी तो करो इन्फ्लेशन का भाई फिफ्टीन सिक्सटीन की रेवेन्यू का आप दो हजार बाईस कंपेयर करो थोड़ी चलता यार ये तो बोला ठीक है ठीक है फोर्टीन परसेंट का कितना बेटा वन फोर फोर्टीन परसेंट का इंक्रीमेंटल फैक्टर रखा गया कि 15, 16 की जो हो उसमें 14 परसेंट करेंगे रेस्पेक्टिव ईयर वाइज आ जाएगी एंड सर उसको कंपेयर करेंगे एस जी एस की रेवेन्यू से एंड सर हम देखेंगे अगर कम था तो आपको हम कंपनसेट करेंगे उस फंड से जो तमकू खाने वाले इकट्ठा कर रहे बेटा अरे हाँ है ना अरे क्लियर समझे मेरी बात डन मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सर <coughs> ये अलग से एक्ट बनाया और आप बिलीव नहीं करोगे जो तंबाकू खाता है ना तम्बाकू टोबेको सिगरेट पीता पीते ना बेटा मतलब वो तो बेटा एक बार एक, एक कोई था फ्रेंड वो सिगरेट था बेटा मैंने कहा तू तो पागल हो गया क्या सिगरेट क्यों लिखा हुआ क्या था लिखा सब पता है अच्छा बहुत सारे लोग हम नॉलेज रखते हैं पर पीते नहीं बेटा नहीं पीने वाले ऐसा कोई बोलते भी नहीं है सर सुनना अब साहब पॉइंट ये कि मैंने उस दोस्त से पूछा तू सिगरेट क्यों रहा रहे बोला तेको नहीं पता गम है मेरे बहुत मैंने गम बुलाने के लिए तू सिगरेट पीता है नहीं मैं देश बचाने के लिए सिगरेट पीता हूँ मैंने कैसे बोला टॉपिक को पे पता है अभी क्या है सिस्टम टॉपिक को भाई साहब एक्सरसाइज भी लगता है अभी हटा नहीं है एक्सरसाइज भी है जीएसटी भी है और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है मतलब वो बोलता है मैं अपनी जान पे लगा के देश के देश लिए फंड इकट्ठा कर रहा हूं मैंने कहा तेरे चरण का है सर एंड दीज टोबैको एक्सेट्रा एंड जीएसटी कंपन मोटर व्हीकल पर भी लगता है बेटा बाइक कार वगैरह पे बच्चों ठीक है पर वो कौन सी गुड्स पे लगता है ये आपके एक्ट में नहीं आता है ये 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 एक्ट भी आपके कोर्स में नहीं आता है नॉलेज के लिए बता दिया आपको यह अरे हा है ना भाई क्लियर सो दिस इज हाउ एक्ट बीन ड्राफ्टेड अब देखना ध्यान से कि सर ये जो हमने बातें करी वन नेशन वन टैक्स अच्छा वन टैक्स क्यों बेटा क्योंकि कोई से भी स्टेट में चले जाओ रेट ऑफ टैक्स सेम रहेगी बेटा एक्ट सेम रहेंगे अच्छा सर एक बात और वन मार्केट क्यों बेटा वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वाई वन मार्केट छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको सर सर पहले बिफोर जीएसटी अगर मैंने मध्य मैं महाराष्ट्र में बिठा मैंने मध्य प्रदेश से कोई मशीन परचेज करके महाराष्ट्र वाली फैक्ट्री के लिए लेके आया मैं क्या लगता था पहले एक्साइज वगैरह तो था सी एस टी हूं करो सर सीएसटी का मेरे को कोई क्रेडिट मिलेगा बेटा नहीं एंड पहले सी फॉर्म वगैरह हुआ करते थे उसके थ्रू टू परसेंट सीएसटी पे मैं गुड्स खरीद सकता था बेटा एक करोड़ की मशीन दो लाख रुपए सीएसटी लग गया बेटा हा है ना सर और दो लाख का मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला मेरी कॉस्ट क्या होगी बेटा एक करोड़ दो लाख रुपए और यही अगर मैं मध्य प्रदेश में होता या चलो मैं महाराष्ट्र में ही होता और महाराष्ट्र से खरीदता मशीन तो सर वन करोड़ प्लस जो भी वेट लगता है ट्वेल्व लगे फिफ्टीन लगे टू परसेंट लगे, लगे पूरा वेट का मेरे को क्रेडिट मिलता बेटा है हाँ ना बेटा अगर यही मशीन मैं महाराष्ट्र से खरीदता तो मेरे को एक करोड़ मेरी कॉस्टिंग होती यही मशीन मैं दूसरे स्टेट से खरीदूंगा मेरी कॉस्टिंग कितनी होगी बेटा करोड़ मतलब अ डिफरेंस इन दी मार्केट आपको परचेस करने से पहले इन टैक्सेशन की वजह से कॉस्टिंग चेक करनी पड़ती थी बेटा हा है ना पर सर जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस होगा इंटरस्ट सप्लाई पे क्या लग जाएगा बच्चा आई जीएसटी और जैसे आई जीएसटी लगा पूरा क्रेडिट मिलने वाला है बेटा तो आप मुझे बताओ अब मैं मध्य प्रदेश से मशीन खरीदू महाराष्ट्र से खरीदू गुजरात से खरीदू या प्रदेश में से कैसे भी खरीदू सर टैक्स की वजह से टैक्स की वजह से क्या मेरी कॉस्टिंग चेंज हो रही है क्या बेटा क्लियर तो मेरे लिए पूरा देश एक मार्केट बन गया बेटा पहले महाराष्ट्र एक अलग मार्केट था क्योंकि सीएसटी का कोस्टिंग नहीं आता था बेटा दूसरे स्टेट से करता था सीएसटी कास्टिंग आता था बच्चा हा है ना सर क्लियर इसलिए अगर आईजीएसटी आ गया अगर जीएसटी आ गया तो वन नेशन वन टैक्स कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है पहले अमेजोन वगैरह ने क्या कहता बेटा जिन स्टेट में वेट क्रिएट कम होती थी बेटा उन स्टेट में अपने वेरहाउस एस्टेब्लिश किया उन्होंने क्योंकि जो वेट रेट होती है वही सीएसटी रेट होती थी बेटा वापस सुनना जो वेट रेट होती थी वही इंटरसेट सेल करने पर सीएसटी रेट होती थी अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो कस्टमर अगर रजिस्टर्ड होता था टू परसेंट रेट ऑफ सी एस टी फ्लैट सी फॉर्म के थ्रू बेटा अमेजोन से कौन खरीदता है एंड कंज्यूमर ना बेचा आवाज नहीं आ रही हो है? तो वो जो परचेज करेंगे तो जो वेट क्रिएट होगी वही सीएसटी क्रिएट होगी बेटा अब एक फ्रीज मैंने परचेज किया मान लो वन लाख रुपए का फ्रीज था फ्रीज में महाराष्ट्र में रेट ऑफ वेट वॉज मान लो रेट ऑफ वेट मेरे को ध्यान नहीं सर फोर्टीन परसेंट वॉज रेट ऑफ वेट इन महाराष्ट्र वही गुड्स का रेट बारह परसेंट कहा गुजरात में वही गुड्स का रेट फाइव परसेंट कहा चेन्नई में मतलब <coughs> तमिलनाडु में सर वही रेट वही गुड्स का रेट है कितना थ्री परसेंट हिमाचल प्रदेश में बेटा मान लो तो सोचो मैं हूं राजस्थान में मेरे को फ्रीज खरीदना है और राजस्थान में फ्रीज नहीं मिलता सर मान लो वो नहीं मिलता सर वो वाला फ्रिज में कहीं और से लेना है मैं कहाँ से खरीदूंगा सर क्योंकि बिल पे लग के आएगा क्या सी एस टी हूँ करो सर सी एस टी का मेरे को क्रेडिट नहीं मिलने वाला मेरी कोच का पार्ट बन जाएगा बच्चे वो क्लियर मैं कहाँ से खरीदूंगा अगर महाराष्ट्र से खरीदूंगा तो फोर्टीन ले फोर्टीन परसेंट बोलती सी एस टी अरे वेट फोर्टीन परसेंट लेना यार तो मैं चेक करूंगा कौन से स्टेट में वेट की रेट कम है मैं उस स्टेट से वो फ्रीज लूंगा अगर वहां अवेलेबल है तो बेटा तो सर हिमाचल प्रदेश में रेट ऑफ टैक्स बहुत थ्री परसेंट मैंने वहां से खरीदा फ्रीज वन 3% एक लाख तीन हजार में यही अगर महाराष्ट्र तो वन एस्टेब्लिश किए जिन स्टेट में उन गुड्स की रेट ऑफ वेट कम था गुड्स वाइज सेटअप किए थे प्लानिंग करते थे लोग सो देट वहां से पूरे देश में से कोई भी अगर पर्सन खरीदेगा तो मिनिमम रेट ऑफ सीट लगेगा उसको सर है हाँ ना भाई मतलब मैं महाराष्ट्र वाला आदमी भी महाराष्ट्र से खरीदा तो एंड तो मिलेगा नहीं बेटा वही अगर मैंने तो एक, एक लाख तीन हजार में हिमाचल प्रदेश तो हा मैं महाराष्ट्र से खरीदूंगा या तो अमेजोन के थ्रू हिमाचल से मंगाऊंगा सर आप नाउ वन टैक्स वन मार्केट का मतलब समझ में आया आपको ये अरे हा है ना सर एक ही टैक्स लगना चाहिए हाँ तो, आपको यह आवाज नहीं आ रही yes, <coughs> तो देखना ध्यान से जीएसटी के लिए सर पूरे देश में कितने एक्ट बने सर वन नेशन वन टैक्स ने सुन लिया बेटा सर सी जीएसटी एक एक्ट बनाया सी जी एस टी एक्ट हूं करो सर कितना बना सर एक एक इंटरस्टेट सप्लाई के लिए क्या बना बेटा एक बन गया क्या आईजीएसटी एक्ट सर हर स्टेट में अपना अपना एजीएसटी अलग है बच्चा अरे एस एन अच्छा यूनियन टेरिटरीज जैसा है बेटा उनके लिए यूटी जीएसटी एक्ट अलग है सर यूटी जीएसटी बनाया है, सर क्लियर सर मतलब अगर आप आग यूनियन टेरेटरी में हो बेटा दादरा नागर हवेली में मान लो आप अंडमान निकोबार में हो बेटा और इंटरेस्ट सप्लाई करते हो तो सी सीजीएसटी टी और यूटी जीएसटी लगता है ठीक है तो यूनियन टेरेटरी के लिए एक -एक बना दिया अच्छा, अब एस हर स्टेट में अलग अलग है सर कितने स्टेट है सर अपने देश में 29, 28. ट्वेंटी एट स्टेट है और तीन यूनियन टेरिटरी बेटा ऐसी है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है जिनकी खुद की विधानसभा है सर दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर हमारा था हमारा है और हमारा जय भारत बेटा अभी पीओ के भी आने वाला बेटा 28 28 स्टेट्स प्लस थ्री यूनियन टेरिटरीज़ विथ स्टेट लेजिस्लेचर बच्चा तो 31 दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर बेटा बुक में मिल जाएगा सर आपको डोंट वरी थर्टी वन एस जी बन गया बच्चा हा है ना सर एंड एक बना क्या जीएसटी हा कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 एक ये बन गया बच्चा टोटल कितना बन गया बेटा थर्टी फाइव एक्स बन गए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट एक एक्ट लाने के चक्कर में कितना बन गया बच्चा 35 एक्ट बन गए मतलब जीएसटी अगर समझना आपको पूरा तो कितना आना चाहिए बेटा आपको पर चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपने सीजीएसटी एक पढ़ लिया मतलब सारे 31 एनएसजीएसटी आपको आ गए और खास बात ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ बेटा आपके सिलेबस में नहीं आता है पर लगभग लगभग पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो 14% नहीं आता है बेटा फिफ्टीन सिक्सटीन रेवेन्यू ठीक है ये लगभग लगभग इतनी बात है बस ये है कितना दस सेक्शन का भी नहीं पूरा ये क्लियर आई जीएसटी एक हमारे कोर्स में आएगा हम पढ़ेंगे डेफिनेटली क्लियर और यूटी जीएसटी एक भी एक छोटा सा सेक्शन एक है जो आपके कोर्स में नहीं आता है बस उसमें लिखा हुआ है कि यूनियन टेरेटरी के अंदर विद इन द स्टेट सप्लाई किया इंट्रा स्टेट तो सी जी 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 एस टी लगेगा यूनियन टेरेटरी टैक्स विल बी कलेक्टेड बाई दिस यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके फंड को वो मैनेज करेगा यूनियन टेरेटरी के डेवलपमेंट के लिए बच्चों हाँ है ना भाई और बाकी सारे प्रोविजन सी जीएसटी के हमारे यहाँ भी लगेंगे मतलब इस एक्ट भी कुछ खास नहीं लिखा है बेटा है हाँ ना भाई अलग से कुछ नहीं लिखा है ठीक है इसलिए अगर आपने ये और पढ़ लिया, मतलब मोटा -मोटी पूरा जीएसटी हाँ अरे समझ में आया कि नहीं आया सर तो अभी तक तो जीएसटी आया है क्लियर अब कल फर्स्ट जुलाई 2017 से जीएसटी क्या आया वो हम पढ़ेंगे अभी तो हमने पढ़ा क्या जीएसटी क्यों आया जीएसटी कैसे आया क्या क्या हर्डल्स थी जिनको दूर करके जीएसटी इंट्रोड्यूस किया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट किसको बोलते हैं आई होप समझ में अरे को ना मालिक अरे नो पक्का चलिए सरकार कल मिलते हैं पर सर आ, जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है ऐसा देखा जाए तो बुक से पढ़ने लायक कुछ भी नहीं सर अभी आज के लिए क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी पढ़ाया ठीक है बुक का जो फर्स्ट चैप्टर उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो मैंने पढ़ा है बस एक टेबल दे रखा है कि इंट्रास्ट पे क्या लगेगा इंटर पे क्या लगेगा पर कोई खास बात नहीं वो तो अगर आप बुक से आज नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा बच्चों पर मेरा रिक्वेस्ट जो फेस टू फेस्ट क्लास में यहाँ है आप सबसे रिक्वेस्ट ये कि अपना टाइमिंग मॉर्निंग सिक्स है तो यू हैव टू यू टू बी पंक्चुअल एंड अपने को चालू करना है क्लास सिक्स तो आप कोशिश करो और कोशिश नहीं ऐसा करना ही है कि सिक्स तक आप आ जाए बेटा अपना टारगेट सिक्स फोर्टी फाइव में तो रखना बेटा है ना अपना टारगेट सिक्स थर्टी थर्टी फाइव रखना बेटा तो आ जाओगे आप ठीक है कारण क्या है जितना टाइम अपने पास है उसको हम बेस्ट यूज करेंगे तो अपने लिए फायदा है बेटा ठीक है सो प्लीज बी ऑन टाइम मैं सिक्स फोर्टी फाइव क्लास शुरू करूंगा डेली बेस पर ओके क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब एडमिशन लिया होगा तो सोचा होगा सिक्स फोर्टी फाइव का सेवन तो हो जाएगा ना हो पाएगा ठीक है सर <laughs> ओके मालिक थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे माहौल जबरदस्त शानदार और एक रूल और लास्ट बस सबके लिए भले वीडियो क्लास में यहाँ पे जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो सेम डे पढ़ना है ये मेरा प्रॉमिस है वादा है कोई वारंटी नहीं गारंटी है कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, वो अगर आपने आज जाके रिवाइज कर लिया तो लास्ट डे जो मैं पढ़ाऊंगा जब मैं खत्म करूंगा उस दिन मैं प्रूव कर दूंगा कि जो मैंने फर्स्ट डे पढ़ा वो भी आपको याद है सर वर्ड टू वर्ड याद है ये मेरा दावा है सर आपसे ठीक है पर ये प्रॉमिस मेरे को आपसे चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द बैच आपको सब कुछ चीजें आनी चाहिए बैच खत्म नहीं होना चाहिए आपको हर एक चीज आनी चाहिए सर Okay, thank you so much. Thank you for putting your faith on us. Thank you so much. All the best. Have a good day. Mahal Shanda. Thank you. Bye bye. Or, ha, video class. Mein jo hai, please have a click of this slide. Thank you so much. Have a good day. Mahal Thank you. Thank you. Bye-bye.